सो बहुत से जन मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि बहुत से जन तो ऐसे बोला जैसे बहुत सारे सस्पेंस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। काफी लोग ऐसा सोचने लगे थे कि शायद मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ रीजन ये है कि यूजुअली मैं अपने ब्लॉग्स में कोई स्पेशल चीजें ही दिखाता हूँ, जैसा कि मैं कोई शो करने चला गया या कुछ ऐसा कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है वही। तो मेरा ब्लॉग नहीं आया और उसके बाद आपको सभी को मालूम है क्या हो गया, कोरोना वायरस फैल गया और उसके बाद सब बंद हो गए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है मिस्टर सोमेश, तो वहाँ पे मैंने कुछ डाला भी था। मैं शो कर रहा हूँ जूलियट सीजर का, जो जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो की तरफ से था, वो भी नहीं हुआ। हो गया, सारे कास्ट एंड क्रू काफी उदास है। उस दिन भी मैंने ब्लॉग किया था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि तो काफी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैं अपने ये लॉकडाउन और या क्वारंटाइन टाइम में क्या कर रहा हूँ। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, मैंने क्या किया। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उसमें से सोमेश, तो वहाँ पे मैंने एक नया हाईलाइट शुरू किया है अपने सीरीज का, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ, जो मैंने अभी कम कर दिया। मैं अब वीकली अपडेट्स दे रहा हूँ। तो शायद मेरा अगला वीडियो मेरे फिटनेस रूटीन पे होगा। मैं अपने बालों के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे फेस के लिए क्या कर रहा हूँ। और अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मैं अपने बियर्ड्स भी ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि क्वारंटाइन है तो किसी स्पेशल या खास आदमी से मुझे मिलना नहीं। मैं यूजली शिफ्ट तभी कर रहा हूँ जब मुझे कोई स्पेशल आदमी से मिलना रहेगा, कुछ मेरा स्पेशल मीटिंग है तभी। और क्वारंटाइन में कौन सा मीटिंग होगा मुझे पता है। मैं कभी अपने टेरिस पे आप लोगों को लेके नहीं आया हूँ, तो आज मौका भी था, दस फ्लोर भी था और हमारे वॉचमैन साहब भी ऊपर ही थे। यूजली मेरा टेरिस लॉक होता है, पूरा वर्ली तो नहीं दिखता लेकिन हाफ ऑफ द वर्ली दिख जाता है यहाँ से। तो आई होप आपको ये क्लिप अच्छा लगे और मैं सीधा आपको फिर घर में मिलता हूँ। अपना रूटीन बताता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, फिर से सुबह तक क्या क्या करता हूँ। चलो मिलता है। Few moments later. 6.5 hours later. मुझे पता है कि मैं जो लास्ट मैंने बोला कि घर पे मिलता हूँ, वहाँ से लेके अभी तक का बहुत टाइम है। वो था कुछ सुबह 1-2 के आसपास और ये टाइम हो रहा है 7:15। और दोपहर का मैं बताऊँ तो दोपहर को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा मेरा, मुझे सर्दी है, तो मैं आके दवा लेके सो गया। तो वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, जो है कि मैंने अपने क्वारंटाइन में किया गया। तो शुरुआत से शुरू करना है, तो पहले तो मैंने वेब सीरीज देखना शुरू किए, क्योंकि देखने से ही सीख सकता हूँ। जो फर्स्ट वेब सीरीज मैंने देखना शुरू किया और मैंने ख़त्म भी कर दिया, वो था मनी हेस्ट। तो मनी हेस मुझे इतना अच्छा लगा यार, डेफिनेटली रिकमेंड सबको जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा। उसके 4 सीजन है, फर्स्ट एपिसोड में आई थिंक कुछ 8-9 एपिसोड्स हैं, सेकंड में 12 है, 13 में 8-9 समथिंग है और फोर्थ में 8 है। तो मैंने चारों सीजन देख डाले। उसके बाद जो मैंने वेब सीरीज देखना शुरू किया वो था स्पेशल ऑप्स ख़त्म कर लिया। उसके बाद द फैमिली मैन ख़त्म कर लिया। नाउ असुर देखना बाकी, असुर देखना है। हैरी पॉटर के सारे सीरीज ख़त्म कर दिए और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस जो मैंने वॉच लेटर में डाल के रखे थे मोस्टली सभी ख़त्म कर दिए। तो टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने बैठे बैठे ये बना दिया। गाइस प्लस में मुझे से भी मैप बनाने के लिए मुझे आई थिंक कुछ 8-9 आवर्स लग गए। मैं सुबह 12 बजे से रात के 8 बजे तक यही बना रहा था। एग्जैक्टली 12 से 8 मैं हिला नहीं, यहीं बैठा रह गया और पूरा मैंने ख़त्म किया। और क्वारंटाइन चल रहा है, 3-4 टिकटॉक वीडियोस बना डाले और 1-2 ऐसे नॉर्मल वीडियोस बना डाले जो अलग अलग चैनल पे अपलोड हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारा कलर पॉजिटिव का जो टीम है उनका एक मीटिंग हुआ, उसमें भी काफ़ी अच्छी बातें हुई, काफ़ी लोग न्यू आइडियाज़ के साथ आए हैं, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स देख लिए। अच्छा चल रहा है और क्या, क्वारंटाइन चल रहा है।
टाइम मिल गया जो हाईलाइट है मेरे क्वारंटाइन टाइम का, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा बियर्ड कभी ग्रो नहीं किया है। शायद मैंने शेव किया था मार्च 10 को, हाँ होली का दिन था, ये वाली वो पिक्चर है उस दिन की। और ये मेरा लास्ट है जब मैंने क्लीन शेव किया, उसके बाद से आई एम कंटिन्यू ग्रोइंग माई बियर्ड्स। और उसके बाद मैंने शायद बाल भी कटा लिए थे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो मुझे लगा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आई बी एट होम ओनली, तो मैं बाल काट लेता हूँ, ऐसे ही ग्रो हो जाएंगे। एग्ज़ाम तो हुआ नहीं लेकिन घर पे रह गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिल्डिंग के नीचे, चलो सीधा मिल के बताता हूँ। तो अभी हम लोग वहाँ आए हमारे बिल्डिंग के पीछे दिन का अंत करने। तो गेस करो ये कौन है, जो हमारा मेन ग्रुप है फ्रेंड्स का, चार पांच पांच छह जन का जो मिलके एक ग्रुप बना, उसमें का एक मेन आदमी ये भी है निहार मोरा, हम तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो हम मोस्टली रात को एक साथ ख़त्म करना है, यहाँ पे अभी मिलके गपशप करेंगे, बातें शातें करेंगे और दिन का एंड करेंगे। हम लोग घर पे जाके फिर से कोई वेब सीरीज शुरू कर देंगे, जो भी बचा हुआ रहेगा वो देख लेंगे। और यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं जो राउंड मार रहे थे, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैं कैमरा नीचे लेता हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वीडियो कैसा बना, जैसा भी बना आई होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे, बगैर मत जाना सब्सक्राइब करो। स्टे होम स्टे सेफ, मोस्टली मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोस बनाने का, तब तक के लिए लेट्स नाचो, बाय। कोरोना वायरस का ये सब।